जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ आप इतनी तादाद में आए। अगर ये बजट के बारे में जो भी सवाल करेंगे आप ये पूछेंगे बजट कैसा है, तो मैं ये कहूँगा कराची चैम्बर की तरफ से कोई जो इतनी बातें हो रही थी कि कोई बहुत बड़ा इनकलाबी बजट है, ऐसा हमें कोई नजर नहीं आया कि कोई, लेकिन बजट ये है कि यूँ ऐसा बैलेंस बजट लगता है, लेकिन असल बात तो कल पता चलेगी। शोर इतना था और दूसरा ये कैमोफ्लेज बजट देते हैं जो टैक्स रेवेन्यू मेजर्स हैं उनको बराबर एक्सप्लेन नहीं किया गया। देखिए आप अगर टोटल रेवेन्यू आउटले को देख लें तो उनकी जो कलेक्शन मांग रहे हैं वो 24% इजाफा मांग रहे हैं। अभी 24% का मतलब होता है 1230 बिलियन रुपए। अब 1230 बिलियन रुपए आएंगे कहां से, ये हमारी इसमें समझ में अभी तक नहीं आया। ये जब आप अगर आप सारे जो इनके रेवेन्यू मेजर्स को देख लें, 1230 कहीं भी नहीं बनते, कितनी कहां कहां से एग्जम्पशंस विड्रॉ की हैं, कहां नए टैक्सी के टैक्स के अंदर कहां कहां नंबर्स को बढ़ाया है, ये अभी सुबह पता चलेगा। लेकिन ये जो 1230 की मैं बात ये करना चाहता हूँ कि इन हालात में जबकि हम जो है ना बहुत बड़ा आखिरी पिछली दफा हमने जंप किया है बहुत बड़ा और हमने कोई 14% ऊपर हम लेके गए अपने रेवेन्यू को और ये इंशाल्लाह ये क्लोज करेंगे 4,700 के ऊपर। इसको ये ले जाना चाह रहे हैं 5,632। अब ये इतना बड़ा फिगर है कि जिसके ऊपर जब लेके जाना चाह रहे हैं इट इज अ 24% इंक्रीज, तो ये 24% इंक्रीज इन हालात में होना जरा मुझे मुश्किल नजर आता है। ये मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे इस रेवेन्यू को पूरा करेंगे और कहां से जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं इस बजट में तो रिलीफ मेजर्स माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, इसमें आम आदमियों के लिए काफी रिलीफ नजर आता है। जैसे 800 सीसी की गाड़ी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी उन्होंने, फिर सेल्स टैक्स के अंदर कमी कर दी, स्टॉक अगर आप वैसे देखिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 15% के इंडेक्स को 12.5% कर दिया, इसी तरह से बहुत सारी 3 लाख रुपए लो कॉस्ट हाउसिंग में दिया, यानी आप देखिए तो बहुत सारी। फिर इसके बाद इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आरडी जहां जहां रह गई थी उसको उन्होंने विड्रॉ किया। इसके बाद आप उसको इसी मद के अंदर जो जो रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज रह गई थी वो भी इन्होंने काफी हद तक कम करने का ऐलान किया है। लिस्ट कल आएगी लेकिन जो अपेरेंटली जो लगता है कि दे आर ट्राइंग टू रिवाइव द इंडस्ट्री एंड हेल्प द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, ये ऐसा लगता है। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी खबर जो सबसे अच्छी हमको जो खबर मुझे लगी और मेरे साथियों को भी मेरा ख्याल है वो लगी होगी वो है डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये तो मैं जब से छोटा हूं जब तो काले बाल थे जब से भी यही बात करते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है वो पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को जितने हैं ये मेरे ख्याल है कहीं दुनिया में नहीं है, इनको कम होना चाहिए। ये डिस्क्रिशन को जो उन्होंने कम किया है ये मेरे ख्याल है आज की बजट की सबसे बड़ी खबर है। और अगर ये वाकई खत्म हुए डिस्क्रिशनरी पावर तो असल में तो क्लब अगर करके देखें तो सेल्फ असेसमेंट स्कीम को उन्होंने वापस राइज किया एंड सेल्फ असेसमेंट स्कीम का जो आपका जो रिटर्न होगा वही आपका असेसमेंट ऑर्डर होगा, ये उन्होंने आज डिक्लेयर किया है। और जो ऑडिट है वो भी आउटसाइड थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, यानी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से इससे उसे वो सारों से कराएंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है और मैं मुबारकबाद देता हूँ शौकत तरीन साहब को कि एक बड़ा चेंज जो बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए था वो आया, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। आज ये जो टैक्स नेट के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, टैक्स नेट का बढ़ना सिर्फ उसी वजह ऐसे ही मुमकिन है कि अगर ये टैक्स नेट को बढ़ाना चाहते हैं तो एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर दें, एक साजगार माहौल दें जिसके अंदर लोग वॉलंटियरली टैक्स नेट के अंदर आना चाहे। और अगर ये अगर सेल्फ असेसमेंट स्कीम राइज है एक उसमें अगर ये अनाउंसमेंट कर देते ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम अगले 5 साल के लिए राइज कर रहे हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ता। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इट इज अ गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो ना अगर ये इस तरह से हुआ तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे टैक्स नेट के अंदर जो हम बात करते हैं इसको हमें बड़ी, मुझे तो कहीं मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल एरिना में तो मुझे बड़ी शर्म आती है, पूछते हैं टैक्स पेयर कितने हैं, 22 लाख टैक्स पेयर, 22 करोड़ लोग टैक्स पेयर और 22 लाख टैक्स पेयर, इसमें आप लोग जो है वो 12 लाख हैं सैलरी क्लास, तो बाकी तो 10 लाख रह गए, तो ये तो इंतहाई नंबर कम था। ये मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला इस नंबर के साथ साथ जो है ना ये हमको इससे आगे बहुत ज्यादा इसका फायदा भी होगा और हम उसके अंदर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका कैपिटल गेन टैक्स की मैंने बात की, डिस्क्रिशनरी और आगे रिटेल सेल की उन्होंने बात की, ये जो बात है इसको समझने की जरूरत है। ये वो बात कर रहे हैं कि ये रिटेल स्टेज के ऊपर सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं ताकि रिटेल स्टेज के ऊपर सेल्स टैक्स जो है ये इसको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया जाए, ये तरीका ठीक है। अगर आप डंडे के जोर से करने जाएंगे तो नहीं होगा। आपने ये जो अभी तरीका इख्तियार किया जो उनकी साइकी को समझेंगे, एक्सपोर्ट्स को बिठाएंगे आपके एफ बी आर के सेल में, आई थिंक दिस इज ये जो काम है ये करना चाहिए था जो
उन्होंने अभी अभी उन्होंने ये किया है। इसके साथ साथ अगर आप इसको देखें दूसरी तरफ, ये जो सेल्फ असेसमेंट स्कीम के साथ साथ एक अनाउंसमेंट और उन्होंने की कि ये कॉग्निजेंस ये जो है क्रिमिनल ऑफेंस होगा जो आदमी जो है टैक्स के हिसाब से आएगा। मेरा सिर्फ उनसे गुजारिश आज से ये एक बिजनेस कम्युनिटी के साथ ये क्रिमिनल का जो वर्ड है इट डजंट सूट, वो क्रिमिनल एक्ट बनाने जा रहे हैं। दिस इज नॉट ये अच्छे टेस्ट की बात नहीं है। अगर देखें ये करना चाहिए कि अमेरिका में होता है, ये यूरोप में होता है, बिल्कुल ठीक है, जहां आपके 10% लोग टैक्स नेट से बाहर होते हैं, यहां 95% बाहर है, तो आपके 95% के साथ वो सलूक करोगे। पहले आपको ये स्टडी करनी चाहिए कि 95% लोग टैक्स नेट से क्यों बाहर है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, ये क्यों नहीं आना चाहते, उसको एक तरीके के साथ एक सर्वे करके उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उन्होंने सेल्फ असेसमेंट कर लिया, मैं समझता हूँ इससे तादाद बहुत बढ़ेगी, इसी तरह से सेल्फ असेसमेंट के साथ वो करें और अपने आगे जो ना आगे वाले सालों में देखेंगे क्या होगा। इस साल में उन्होंने किया है, अब इसको पहले से आप क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे तो ये क्या आप लोगों को जेलों में डालेंगे, बिजनेस कम्युनिटी को जेल में डालना? तो ये जो ना ये जो सिंगल जो इनका स्टैप है पूरे बजट में, ये आई थिंक इट इज फ्राइटनिंग एंड आई थिंक नॉट कॉल्ड फॉर एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन यू आर एक्चुअली वांट टू बिल्ड द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, बिल्ड ट्रेड ऑफ पाकिस्तान, यू वांट टू ग्रो वर्टिकली। आप ग्रोथ की बात करते हैं और आप क्वांटम जंप की बात करते हैं और आपने क्वांटम जंप की बात की है आपके इसके अंदर टैक्स कलेक्शन में, जिससे ये पता चलता है कि इसके साथ आएगा। अब जो तीसरी बात उन्होंने ये जो आगे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, मैं उस पर दो मिनट लेना चाहता हूँ। देखिए आज वो ये बात कर रहे हैं कि हम सस्ती बिजली के लिए हाइड्रल के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, 5 बिलियन शक्कर हैदराबाद जो है ना वो आपकी जो ग्रिड है उसके ऊपर कोई 7.5 बिलियन हम लगा रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ आज तक क्यों नहीं लगे, जब आप बिजली घर लगा रहे थे, जब आप बिजली घर लगा रहे थे उस वक्त हमने भी कहा ये बात कि आपने जैसे मटियारी हैदराबाद मटियारी जामशोरों की जो ग्रिड है, जब कोल के 2 पावर प्लांट लग रहे थे, मैंने उनसे कहा कि भाई तो आप ट्रांसमिशन ग्रिड लगाओ, वो इसको दे रहे हैं उसको दे रहे हैं, फिर आखिर चाइनीज को उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर किलोवाट आवर बेसिस के ऊपर उसको दिया। अब आप मुझे बताएं ये अगर आप आज करने जा रहे हैं और आज आपके पास आप हर बच्चे को पूछो पाकिस्तान में क्या पूछे, मतलब बहुत सरप्लस बिजली है आपके पास, सरप्लस बिजली है लेकिन कंज्यूमर को पहुंचाने के लिए नहीं। आज लोड शेडिंग हो रही है सरप्लस बिजली, आज लोड शेडिंग हो रही है केई के पास क्या हो गया भाई, वहां तक बिजली पहुंच नहीं सकती। क्या हो रहा है कि हम लगा रहे हैं, अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं अपने जो है ना सारे जितने भी आपके जो आपकी ट्रांसमिशन और जो लाइन है उनको हम अपलिफ्ट कर रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश ये है कि तमाम कामों को जैसे उन्होंने गैस में किया था, गैस काटनी शुरू कर दी कि आप बिजली से चलाएंगे, फिर बोला नहीं नहीं वो तो बिजली तो पहुंच नहीं सकती, बिजली तो है नहीं। तो ये जो हाफ हार्टेड एड हॉक डिसीजंस है, मैं शौकत अली साहब से गुजारिश करता हूं कि देखिए हर स्टेप जो स्टेप आप लेते हैं चाहे वो एक है वो इंडस्ट्री को हर्ट करता है, वो छोटे दुकानदार को हर्ट करता है, वो दुकानदार को वो ट्रेडर को हर्ट करता है, वो आप उस स्टेप को लेने से पहले उसके रिपरकशंस उस जिस ट्रेड को आप छेड़ने जा रहे हैं उनके स्टेक होल्डर से जब तक आप मीटिंग नहीं करेंगे, जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे आप वो समझेंगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे उन्होंने समझा जब ये जो टेक्सटाइल सेक्टर की आज उन्होंने बात की है उसको टेक्सटाइल सेक्टर उन्होंने समझा, हमने डिमांड की थी 0 रेटिंग, अब उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा था कि टैक्स में हमने कुछ किया है, कल पता चलेगा कि क्या किया। अब कॉटन यार्न के ऊपर ड्यूटी को उन्होंने 5% कम किया, हमारे हिसाब से जो 5% हुआ कि 0% हुआ पता नहीं चल रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो डायरेक्शन है, मैं आखिरी मेरे अल्फाज ये है कि देखिए मैं ये समझता हूँ जाती तौर पर कि ये जो बजट है इसने एक डायरेक्शन जरूर दी, जो इस गवर्नमेंट के पिछले 2 साल के बजट में लैकिंग थी वो नहीं थी, एक डायरेक्शन दी है कि हम दोनों साइड से खेलना चाहते हैं, जो लोकल ट्रेड है उसको भी हम जो है ना प्रमोट करना चाहते हैं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री को भी हम प्रमोट करना चाहते हैं और एक्सपोर्ट को तो प्रायोरिटी के ऊपर हम देखना चाहते हैं। ये इनका मैसेज मुझे इसमें नजर आता है जिसमें ये कोशिश उन्होंने की है कि हम उसको कर दें। मेरे सजेशन मेरा एक शौकत अली साहब को यहाँ कुछ सुन रहे हो या वजीर आजम साहब से भी मैंने कहा था, उनसे भी मैंने कहा कि देखें आप बात करते हैं महंगाई की, 51 आइटम्स जो कोर इन्फ्लेशन का जो पार्ट होती है उसका आज भी इन्फ्लेशन 12-13% है, तो गरीब को तो कुछ भी नहीं पहुंचा, वो पहुंचेगा भी नहीं, 12-13% इन्फ्लेशन होगा आपका कोर आइटम्स के अंदर तो कैसे होगा। मैं ये पूछता हूं इनसे कि ये जो व्हाइट एलिफेंट्स हैं
एफडीआई हो गया, स्टील मिल हो गया, बहुत सारे आपके इदारे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं, उनको आप प्राइवेटाइज क्यों नहीं करते? आपने पूरे तीन साल में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं की। आपने मेरी समझ में नहीं आता कि ये आपको रोजाना नुकसान दे रहे हैं, साल का 600-700 बिलियन रुपया आप उसको उनको दे रहे हैं और उसके बाद उसको आप लेके उनको बैठे हैं। अगर ये किसी एक्सपोर्टर के पास चला जाएगा प्राइवेट सेक्टर में तो वो कल मुनाफा देना शुरू करेगा और आपको टैक्स आएगा। आज आप उसका नुकसान कर रहे हैं। इस 600-700 बिलियन में से आप एक दफा वीट और शुगर को मुल्क के अंदर सरप्लस कर दें, ऑर्डर क्या करेगा? शॉर्टेज नहीं होगी, पीछे से माल होगा तो ये सारी शॉर्टेज खत्म हो जाएगी। और जो कोर 51 कोर के अंदर में से दो आइटम वो गिनता हूं, अगर इसको कर ले आम आदमी को जितना फायदा पहुंचेगा किसी और चीज से नहीं पहुंचेगा। चीनी और आटे के दाम को स्लैश डाउन होना चाहिए 30-35% एंड इट इज पॉसिबल इफ वी इंक्रीज द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स को अगर ये समझ के इसके साथ अगर काम करें, मेरा ख्याल है कि दिस इज अ डूएबल टास्क। और इसके अलावा तो मैं समझता हूं कि इसको पूरा जब बजट समझेंगे इंशाल्लाह कल मजीद कमेंट करेंगे, हम राइटिंग में कमेंट ये सीसीआई के प्रेसिडेंट भी करेंगे, उसको उसके साथ हम भेजेंगे। इसके अलावा अगर मैं मेरे साथ ही कुछ बात करेंगे फिर कोई सवाल जाओ तो कर लेंगे। सिर्फ भाई जी बात को आगे करते हुए ये डायरेक्शन ठीक है और लगता यह है कि अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि बेटर सेंस प्रिवेंट। ये जो एक ही बात जो कि एफपीआर से रिलेटेड जो भाई भाई जी कहा है वो अगर वाकई मेन वन अगर इन बेटर स्पिरिट उस पर अमल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि बाकी तमाम तर वो तकारीर में वो जो मैयर्स और चीज़ें तजवीज़ें रखी गई हैं उन पर भी अगर इसी स्पिरिट से अमल होगा तो मैं ये समझूंगा कि फिर ये जो बजट है ये एक किस्म का रेवोल्यूशनरी बजट होगा कि आपने वो तमाम चीज़ें जो आज तक कभी एफबीआर वालों ने ये होने नहीं दी या उनका इतना असर रहता था इस बजट फॉर्मेशन में कि वो अपनी पावर्स और अपना जो तजोरियाँ हैं और अपना जो सारा उनका अमल दखल होता है वो नेगेटिव मैं बात नहीं करना चाहता कि उसको वो हमेशा अपने कब्जे में रखना चाहते थे जिसका कि इन्होंने अनाउंस किया है। और ये मुझे ये लगता है कि ये कर देंगे क्योंकि जब ये पहले प्राइम मिनिस्टर भी आए थे तब भी हमारी रिक्वेस्ट पे चैम्बर की रिक्वेस्ट के ऊपर ये तमाम चीज़ें जो है ये रुक गई थी और बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हो गए थे और इनके जाने के फौरन बाद ये वो वापस रिस्टोर हो गए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये रेवोल्यूशनरी सोच के साथ चल रहे हैं और अगर इसके ऊपर अमल दरामद हुआ एसएमईज के बारे में जिस तरह आपको बताया कि उन्होंने कितने बिलियन जो है वो रख दिए हैं, एसएमईज का रोना जो है वो तकरीबन 25 साल से ट्रेड एंड इंडस्ट्री रोती रही है कि ना ये एसएमईज को आप तवज्जो दें, उसको उन्होंने किया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में उन्होंने ये सारी बात की। तो मैं ये समझता हूँ कि आई थिंक कि नाउ मिस्टर फनास मिस्टर तरीन नाउ ही मीन बिजनेस और ये जो अब बजट आएगा दफा तफसीलात जो है आएंगी उम्मीद है हमें सामने रखते हुए एफबीआर से रिलेटेड जो इकदाम किए गए हैं उन पे फोकस करते हुए हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाकी जो चीज़ें भी ये की हैं ये उनको भी इसी स्पिरिट से इसी अप्रोच से इसी सोच से इंशाल्लाह दोबारा कहूँगा कि इंशाल्लाह लगता है कि ये बेटर सेंस विल प्रिवेल दिस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मीडिया के हजरात का कि वो आज चैम्बर इतनी बड़ी तादाद में आए, जुबैर भाई ने सेलियंट फीचर्स आज जो बजट तकरीर थी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की उसका बताया। मैं आपसे चंद चीदा चीज़ें इस बजट में जो कि कराची चैम्बर ने प्रपोज की थी अपनी बजट तजावीज में ये कहता हूँ कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं विद स्लाइट चेंजेस जो हैं वो इस बजट में इनकॉर्पोरेट की गई। कराची चैम्बर ने जो सबसे बड़ा मुतालबा किया था वो था रिगार्डिंग विदहोल्डिंग टैक्स। कराची चैम्बर ये कहता था कि जो विदहोल्डिंग टैक्स की रिजीम है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और इंडस्ट्री की ग्रोथ में रुकावट है। मैं आपको ये बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि आज जो फाइनेंस मिनिस्टर ने तकरीर की उसमें उन्होंने बताया कि 40% जो नंबर ऑफ आइटम्स थे विदहोल्डिंग टैक्स में उसको उन्होंने कम किया और उसकी लिस्ट उन्होंने बताई है कि 12-13 आइटम है। आई थिंक कि ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेप है इस इकॉनमी को आगे ले जाने का और मैं कराची चैम्बर की जानिब से गवर्नमेंट पीजीआई गवर्नमेंट को और फाइनेंस मिनिस्टर को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा
एक बहुत बड़ा मुतालबा कराची चेंबर का जो था वो ट्रेड के सेक्टर से था, और हम हमेशा ये कह रहे थे कि जो ट्रेडर्स हैं उस पर टर्नओवर टैक्स जो है उसको कम किया जाए। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने दो चीज़ों का ऐलान किया, एक ये कि उन्होंने कहा कि जो एग्जेम्पशन की लिमिट है उसको 10 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन कर दिया गया, और टर्नओवर टैक्स में 1.5% जो टर्नओवर टैक्स था उसको 1.25 किया। हमारा मुतालबा जो था और जो लास्ट जुबैर मोतीवाला साहब ने कॉन्फ्रेंस की थी फाइनेंस मिनिस्टर से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि इट शुड बी 0.50%, बट स्टिल मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट की जो एक रिजिड पोजीशन थी उस रिजिड पोजीशन से गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हुई है और ये खुश आइंद है। इसके अलावा जो टैक्स रिजीम की हमने बात की थी, हम हमेशा ये कह रहे थे कि जो पाकिस्तान का रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी एक्सपेंड नहीं हो रही, और ये कराची चेंबर का बड़ी देरीना मुतालबा था। आज मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे के बाद, जैसे अभी जुबैर मोतीवाला साहब ने बताया कि आपका जो सबमिट करते हैं टैक्स रिटर्न दैट विल बी ट्रीटेड एज योर फाइनल असेसमेंट, आज और इससे पहले जो कराची चेंबर से मुलाकात हुई तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया था कि हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स हैं उनसे आप ऑडिट कराएंगे। मैं ये समझता हूँ कि इसका प्रेरोगेटिव जो है वो एसएससी टैक्स पेयर का होना चाहिए कि अगर टैक्स पेयर डिपार्टमेंट की असेसमेंट से एग्री नहीं करता तो ही शुड हैव द ऑप्शन कि वो कहे कि मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर के पास जाऊंगा, अदरवाइज ये तजर्बा पहले हो चुका है और शायद शौकत तरीन साहब ने किया था और वो इतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हम इस को एग्जामिन करेंगे। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अनाउंस की हैं, मैं समझता हूँ कि उसका रिएक्शन आज फौरी तौर पर देना इसलिए मुमकिन नहीं है कि लीगल लैंग्वेज जो फाइनेंस एक्ट में जब आती है और उसका जो मीनिंगफुल इम्प्रेशन हम लेते हैं वो डिफरेंट होता है। तो मैं इन अल्फाज के साथ कि ओवरऑल कराची चेंबर इस बजट को एक्सेप्ट करती है और हम अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक ग्रोथ की डायरेक्शन को सेट किया है, लेकिन हम इस बजट को इवैल्यूएट करेंगे और इस बजट को कंपेयर करेंगे उन इकदाम से पहले जो कि इस गवर्नमेंट ने बजट की अनाउंसमेंट से पहले कर दिए थे और अब दोबारा आज फाइनेंस के एक्ट में उसका जिक्र किया गया। उसमें बहुत सारी चीजें हैं वो मैं आपको एक डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव जो हमारा कमेंट होगा और जो हमारा स्टांस होगा कराची चेंबर का वो हम आपसे एक या दो रोज के बाद इस फाइनेंस एक्ट को पढ़ने के बाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।